हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं एमएस ट्वेल्थ इंस्टीट्यूट। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति, जो है कि गदखंड से। चलते हैं गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जो जयप्रकाश की पत्नी का नाम था वो था प्रभावती देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा स्लिप हो जाता है जुबान। सिन्हा जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जो इसका आंसर होगा वो होगा स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जयप्रकाश जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? जो फ्री प्रेस के मालिक थे वो थे सदानंद जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो वो है शीला दीक्षित को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने अपनी परीक्षा कहाँ से पास की? तो ये जो इनका आंसर होगा हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी ISC की परीक्षा पास की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वो 1925 में हुई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश जी का मार्क्सवादी कब बने? जो इसका आंसर होगा वो होगा 1924 को, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है वो है उस जनपद का कवि हूँ, यह है उनका लिखा हुआ पुस्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1974 में बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार में मुख्यमंत्री जो थे 1974 में वो थे कृष्ण बल्लभ सहाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? तो जो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था वो था बावली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा, हर बार एग्जाम में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं उन्होंने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो होगा 1977 को, 77 में उन्होंने नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जो जयप्रकाश के पिताजी का नाम था वो था हर्षदयाल थे जो उनके पिताजी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1936 में, यानी कि 1936 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? जो दिनकर जी हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संगीत के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जो भारत की जनता है वो जयप्रकाश नारायण को समाज नायक के नाम से जानी जाती है, नहीं लोकनायक के नाम से जानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है पटना में 5 जून 1974 को दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जो इसकी किसकी रचना है ये देखना है, तो ये जो रचना है वो है जयप्रकाश नारायण की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न
की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? तो जो भारत की उपाधि दी गई थी भारत रत्न की, वो थी 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई समझ लीजिए, ये बहुत आने जाने वाला क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है हिंदी के सब्जेक्ट में, तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माटी की मूर्तें, जो माटी की मूर्तें हैं रचना किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामवृक्ष बेनीपुरी की, रामवृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों की इस देश में जनता को जाना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? जो दिनकर जी का निधन हुआ था वो किस अस्पताल में हुआ था? जो उनका निधन हुआ था वो हुआ था विलिंगटन नर्सिंग होम में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जो जयप्रकाश नारायण है उसको किसका दलाल कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका का दलाल कहा गया है, अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो जो डॉक्टर का नाम था वो था डॉक्टर रहमान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों की इस देश की जनता को जाना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो ने इन्होंने कहा था ये वाली लाइन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? ये हमने देखा था ऊपर, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन हमने देखा था, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो वो कहा गया है अमेरिका का दलाल, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर रहमान नाम था उनका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश जी को किस भाषण सुनकर होगा अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो वो जो है स्वामी सत्यदेव की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? जो फ्री प्रेस थे उनके मालिक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सदानंद जी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? वो होगा शीला दीक्षित को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी किस परीक्षा, मतलब ये जो परीक्षा है कहाँ से पास की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू विश्वविद्यालय, उन्होंने आईएससी की जो परीक्षा है हिंदू विश्वविद्यालय से पास की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1924 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो जो जयप्रकाश जी थे वो मार्क्सवादी 1924 में बने, लेनिन की मृत्यु के बाद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, उनकी जो पुस्तक है वो है मैला आंचल, मैला आंचल इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? तो वो थे अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर जो थे 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये हमने पढ़ा जयप्रकाश नारायण को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था वो था प्रभावती देवी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ये हमने क्वेश्चन ऊपर भी देखा था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण को भारत
रथ की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माटी की मूर्तियाँ रचना किसकी है? तो ये है रामवृज बेनीपुरी की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो दिनकर जी हैं वो संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? तो जो जयप्रकाश नारायण है उन्हें भारत की जनता लोकनायक के नाम से जानती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो उन्होंने जो ये भाषण दिया था वो दिया था 5 जून 1974 को पटना में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? तो उनका जो नाम था वो था बाउल। बाउल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा, ऑप्शंस देख लेते हैं, जो ऑप्शंस है उसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जो जयप्रकाश नारायण है उनके पिताजी का जो नाम था वो था हर्षुदयाल। क्या था? हर्षुदयाल नाम था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण है उनका रचित पाठ का नाम था संपूर्ण क्रांति। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति क्या है? जो संपूर्ण क्रांति है वह क्या है? वो है नेताओं का, नहीं, नेताओं का नहीं है, संपूर्ण क्रांति जो है वह एक कहानी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति है वो है जयप्रकाश नारायण की देन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जो संपूर्ण क्रांति में भाषण दिया गया है वो भाषण है जयप्रकाश नारायण का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो उनका जन्म हुआ था वो था सीताब दियारा में उनका जन्म हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका हमने आंसर पहले ही देखा था, जो होगा जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1974 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार में सम्मिलित किया गया था? तो उन्हें जो सम्मिलित किया गया था वो था मैग्सेस सम्मान के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के लिए साथ रुके थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईश्वर अय्यर के साथ वह रुके हुए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने कहा था कि देश का जो भविष्य है नई पीढ़ी के हाथ में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? जो उनको दिल का दौरा पड़ा था वो था रामनाथ जी गोयनखा के घर पे पड़ा था। गोयनखा के घर उनको दिल का दौरा पड़ा था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो उन्होंने जो परीक्षा दी थी ISC की परीक्षा दी थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी किसके मुंह से सुना था जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दीक्षित जी जो थे उन्होंने ही उनके ही मुंह से सुना था पुलिस अधिकारी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो वो जो मानते थे वो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है
वो जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। आई होप गाइज ये आपको आज की वीडियो अच्छी लगे। तो आज के जो क्वेश्चन था यहीं तक का था, और आगे भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते रहेंगे, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और PDF के लिए ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। चलती हूँ मैं, बाय बाय।